इस कहानी की शुरुआत में हमें लुकान नाम के लड़के को दिखाया जाता है जिसे उसके डैड पेंक्रास तलवार चलाना सिखा रहे होते हैं, क्योंकि लुका की मां मांडा को कुछ सालों पहले लार्जिया नाम के इविल जादूगर ने किडनैप कर लिया था। इसलिए पेंक्रास उन्हें बचाने के मिशन पर थे। लुका के डैड बहुत बहादुर योद्धा होते हैं और लुका को भी अपनी तरह एक बहादुर योद्धा बनाना चाहते हैं। एक दिन जब लुका अपने दोस्त सेबरटूथ टाइगर के साथ खेल रहा होता है जिसका नाम पर्सी था, तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो लुका से एक ओप के बारे में पूछता है। लेकिन तभी लुका के डैड उसे सफर पर चलने के लिए बुला लेते हैं और लुका पर्सी को साथ लेकर अपने डैड के साथ कोबा किंगडम में जाने के लिए निकल जाता है, क्योंकि वहाँ के राजा ने उन्हें मिलने बुलाया था। इस सफर के दौरान बहुत सारे राक्षस उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेंक्रास सभी को मार डालते हैं और काफी दिनों के सफर के बाद वो कोबा किंगडम में पहुँच जाते हैं, जहाँ लुका की राजकुमार हेरी से दोस्ती हो जाती है। और जब वो साथ में खेल रहे होते हैं तभी लार्जिया के दुष्ट राक्षस हेरी को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। ये सब देखकर लुका अपने डैड को ये सब बताने के लिए महल की तरफ भागता है। फिर पेंक्रास लुका के साथ उस गुफा में पहुंच जाते हैं जहां उन राक्षसों को मारने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर लार्जिया भी आ जाता है जो अपने राक्षसों को मरता हुआ देखकर लुका और हेरी को जादू से अपने पास ले आता है और वो पेंक्रास को लुका को मारने की धमकी देता है, जिससे पेंक्रास को ना चाहते हुए भी हारना पड़ता है और लार्जिया के राक्षस उसे बुरी तरीके से मारने लगते हैं। पेंक्रास इससे बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं, इसीलिए मरते मरते अपने बेटे को बताते हैं कि तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है और लार्जिया ने ही तुम्हारी माँ को किडनैप किया था। लुका अपने डैड के मरने की वजह से बहुत दुखी होता है तो लार्जिया उसे कहता कि तुम हमेशा के लिए मेरे गुलाम रहोगे। फिर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लुका अब बड़ा हो चुका है, लेकिन वो हेरी के साथ लार्जिया की जेल में होता है और लुका को कई बार अपने बचपन में बीती घटनाओं के सपने आते रहते हैं। लार्जिया अपने लिए एक महल बनवा रहा होता है जिसके लिए उसने लुका और हेरी की तरह ही बहुत सारे लोगों को किडनैप कर रखा था जिनसे वो जबरदस्ती काम करवाया करता था। एक दिन लुका और हेरी को एक आदमी बताता है कि मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता पता है, क्योंकि जब भी कोई आदमी मर जाता है तो उसे बैरल में भरकर नदी में फेंक दिया जाता है, इसीलिए तुम उस रास्ते से बाहर निकल सकते हो। हेरी को आइडिया बहुत अच्छा लगता है और दोनों रात को उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ लार्जिया के डीमन मरे हुए लोगों नदी में फेंका करते थे। लुका और हेरी अपनी बॉडी पर मरे हुए लोगों का मांस लगा लेते हैं ताकि उन्हें कोई पहचान न पाए और वो एक बैरल में छिप जाते हैं, लेकिन वो डीमन उन्हें देख लेते हैं। मगर उनकी बॉडी पर सड़े मांस की वजह से इतनी ज्यादा बदबू आ रही थी कि उन्हें लगता है कि वो दोनों मर चुके हैं, इसीलिए उन्हें भी नदी में फेंक देते हैं। इससे वो दोनों खुश होते हैं, लेकिन तभी वहाँ झरने से नीचे गिर जाते हैं जिससे डीमन उन्हें देख लेते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। हेरी और लुका उस बैरल की मदद से वहाँ से भागने लगते हैं, मगर डीमन उनका पीछा नहीं छोड़ते। तभी वहाँ रास्ते में डॉक्टर एगन गुजर रहे होते हैं जो अपनी घास की गाड़ी में उन्हें छिपाकर बचा लेते हैं और उन्हें घर ले आते हैं, लेकिन अभी भी उनमें से बहुत बदबू आ रही थी। डॉक्टर एगन उन्हें बताते हैं कि मैं यहाँ इसलिए रहता हूँ ताकि मैं लार्जिया के महल पर नजर रख सकूँ, क्योंकि लार्जिया नर्क का दरवाजा खोलकर अपने गुरु निमजो को वापस लाना चाहता है। तो लुका उनसे पूछता है कि ऐसा क्यों कर रहा है, तो एगन उसे बताते कि निमजो इस पूरी दुनिया को बुराई में बदलने की ताकत रखता है और सालों पहले बहुत सारे जनेथियन वासियों ने उसे भगाने के लिए जाने गवाई थी, इसीलिए मैं उस जनेथियन योद्धा की तलाश कर रहा हूँ जो लार्जिया को मारकर नर के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर देगा, क्योंकि एक भविष्यवाणी के मुताबिक एक जनेथियन योद्धा ही लार्जिया को मारेगा। अगले दिन एगन उन दोनों को सभी से छिपाकर आइलैंड से बाहर निकलवा देते हैं। लुका हेरी के साथ उसके किंगडम कोबक लौटता है, लेकिन वो अंदर जाने से मना कर देता है और हेरी को बताता है कि मेरे पिता ने अपने आखिरी समय में मुझे मेरी माँ के बारे में बताया था, इसीलिए मुझे उन्हें बचाने जाना है। तो हेरी लुका से अलविदा लेता है और से कहता है कि तुम्हारे डैड ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान गवा दी, इसलिए अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। फिर लुका वापस अपनी पुरानी झोपड़ी की तरफ बढ़ने लग जाता है ताकि वहाँ से उसे कुछ पता चल सके। लुका जब अपने घर पहुँचता है तो वहाँ गलती से उससे उसके डैड का सीक्रेट रूम खुल जाता है जहाँ उसके डैड के बहुत सारे रिसर्च का सामान पड़ा होता था। इन्हीं सामानों में से लुका को अपने डैड की एक डायरी मिलती है जिसे जब वो पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ भी एक जनेथियन योद्धा थी, इसलिए लार्जिया उसे पकड़कर अपने साथ ले गया, क्योंकि नर्क के द्वार को खोलने के लिए जनेथियन मंत्र की आवश्यकता है और वो मंत्र सिर्फ मांडा ही जानती थी, इसीलिए मांडा ने खुद को एक शील्ड में बंद कर लिया ताकि लार्जिया उसे मंत्र न जान सके, जिसका मतलब है कि वो अभी भी जिंदा
होता है। साथ ही पेंकराज ने उस डायरी में यह भी लिखा होता है कि मैं लॉर्ड जिया को हराने के लिए जेनेटियन सोर्ड और उस जाबाज योद्धा को ढूंढ रहा हूँ जो उस तलवार की मदद से लॉर्ड जिया को मारकर नर के द्वार को हमेशा के लिए बंद कर देगा। और ने लगता है कि वो जाबाज योद्धा और कोई नहीं बल्कि लुका है, क्योंकि उसकी आंखों का रंग पीला था जो जेनेटियन के लोगों की निशानी होती है। तभी पेंकराज के दोस्त सेंचो भी वहाँ पर आ जाते हैं जो लुका की आंखों से उसे पहचान लेते हैं और उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो लुका को खाना खिलाते हैं और वो लुका को बताते हैं कि तुम्हें ही अपनी माँ को बचाना होगा, जिसके लिए तुम्हें जेनेटियन सोड हासिल करनी होगी क्योंकि तुम ही जेनेटियन हीरो हो। लेकिन लुका को विश्वास नहीं होता और वो सेंचो से कहता है कि ये सिर्फ झूठी कहानियाँ है, तो सेंचो से बताता है कि ये सब सच है और तुम्हारे पिता ने मुझे बताया था कि सिर्फ सच्चा जेनेटियन योद्धा ही उस जेनेटियन सोड को म्यान में से बाहर निकाल सकता है। तो लुका उनसे पूछता है कि वो तलवार अभी कहाँ पर है, जिस पर सेंचो बताता है कि वो तलवार मोस्टेरो राज्य के किंग रोडिग्रो के पास है। ये सुनने के बाद लुका अपने डेट की तलवार लेकर मोस्टेरो को मारते हुए मोस्टेरो राज्य की तरफ निकल जाता है। और अब लुका मोस्टेरो से लड़ते लड़ते अपने हाथ से बाउंड्री भी बनाना सीख जाता है। तभी लुका को एक ब्लू क्रिएचर दिखाई देता है जो लॉर्ड जिया के महल से ही उसका पीछा कर रहा था। और जब लुका को विश्वास हो जाता है कि उसे उस ब्लू क्रिएचर से कोई खतरा नहीं है, तो लुका उसे अपना दोस्त बना लेता है और उसका नाम ग्रूट रखता है। फिर वो दोनों साथ में सफर पर आगे बढ़ते हैं। और रात में जब वो आराम करने के लिए एक गुफा के पास रुकते हैं, तो उस गुफा में मौजूद सेबर टूथ टाइगर उन पर हमला कर देता है। लेकिन जल्दी लुका को पता चल जाता है कि उसका बचपन का दोस्त पर्सी है, जिससे वो दोनों वापस एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं। फिर वो तीनों मोस्टेरो किंगडम में पहुंच जाते हैं जहां हर तरफ तबाही मची हुई थी, क्योंकि वहां रोजाना बियोन नाम का मोस्टर तबाही मचाया करता था। इसलिए रोडिग्रो ने ऐलान किया था कि जो भी उस बियोन ड्रैगन से उनके किंगडम को बचाएगा उसकी शादी वो अपनी बेटी से करवा देंगे। लुका महल में जाकर किंग रोडिग्रो से मिलता है और ने भी लुका की पीली आंखें देखकर विश्वास हो जाता है कि वो जेनेटियन योद्धा है जो उस जेनेटियन तलवार को म्यान से बाहर निकाल सकते हैं। और उसे उस रूम में लेकर जाते हैं जहां तलवार रखी हुई थी, लेकिन वो देखते हैं कि वो पूरी जगह टूटी हुई है, जिससे वो समझ जाते हैं कि बियोन मॉन्स्टर उस तलवार को चुरा कर अपने साथ ले गया है। इससे किंग बहुत दुखी होते हैं। लुका को भी कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसे लगता था कि वो बियोन को नहीं हरा पाएगा। लेकिन जब राजकुमार नेरा उसके पास आती है और उसे बताती है कि उसे शादी के लिए तैयार है, तो लुका इससे बहुत खुश होता है क्योंकि उसे पसंद करता था, इसीलिए अपने दोस्तों के साथ बियोन को मारने के लिए निकल जाता है। लेकिन बियोन उस पर हमला कर देता है, जिससे वो बहुत बुरी हालत में वापस लौटता है। जहां बार में आकर लोगों से खुद को ठीक करने के लिए दवाई मांगने लगता है, तभी एक यंग लेडी अपने मैजिकल सीरम की मदद से उसे फिर से नॉर्मल कर देती है। और जब लुका उस लेडी को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो लेडी उसकी बचपन की दोस्त बियंका है, जिससे वो बहुत खुश होता है। फिर बियंका भी बियोन को मारने के लिए लुका के साथ जाने लगती है। लुका उसे अपने साथ चलने से मना करता है क्योंकि अकेला उसे हराना चाहता था, लेकिन बियंका उसकी बात नहीं सुनती और वो सब उस जगह पर आ जाते हैं जहां बियोन रहा करता था। उन्हें वहां जेनेटियन सोर्ड नजर आ जाती है और उस सोर्ड को हासिल करने लगते हैं। लेकिन तभी बियोन जाग जाता है और उन सभी पर हमला करने लगता है। यह देखकर लुका बियोन का ध्यान भटकाने लगता है और बियंका मौका पाकर वो तलवार हासिल कर लेती है और वो तलवार लुका को दे देते हैं। लेकिन लुका उस तलवार को म्यान से नहीं निकाल पाता क्योंकि वो बहादुर जेनेटियन योद्धा नहीं था, जिससे वो सभी बहुत डर जाते हैं और वो सभी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन बियोन उनका पीछा करते हुए पूरे किंगडम में तबाही मचाने लग जाता है। तभी लुका को याद आता है कि जब वो बियोन से लड़ रहा था तो बियोन ने हर बार अपनी तीसरी आंख बचाने की कोशिश की थी, जिससे वो समझ जाता है कि बियोन की पूरी पावर उसकी तीसरी आंख में है। इसीलिए वो बियोन पर हमला कर देता है और काफी कोशिश के बाद वो बियोन पर काबू कर लेता है। और लुका जब उसकी तीसरी आंख फोड़कर उसे मारने लगता है तो बियोन उसे कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, मेरी जान बख्श दो, मैं हमेशा तुम्हारा गुलाम रहूंगा। और अब बियोन की आंखों का रंग भी बदल जाता है क्योंकि वो अच्छा बन गया था, इसलिए लुका उसे छोड़ देता है। पूरे टाउन के लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि लुका ने बियोन को हरा दिया था, इसलिए अब उनके ऊपर कोई खतरा नहीं था। टाउन में वापस आने पर बियंका लुका से पूछती है कि तुमने राजा से बियोन को हराने के बदले में क्या मांगा था, तो लुका उसे कहते हैं कि राजा ने मुझे वचन दिया था कि वो नेरा की शादी मुझसे करवा देंगे। तो इससे बियंका समझ जाती है कि लुका बियोन को अकेले इसलिए हराना चाहता था ताकि वो नेरा से शादी कर सके। बियंका भी इससे खुश होती है और वो लुका को महल लेकर जाती है, जहां लुका को बताती है कि तुम्हें शादी से पहले नेरा को प्रपोज करना होगा क्योंकि यही हर लड़की का सपना होता है। लेकिन लुका नेरा के
के सामने खुलकर बात नहीं कर पा रहा था, इसलिए बियांका उसकी मदद करती है। नेरा इससे खुश हो जाती है। फिर रात को जब लुका वापस बार में सोने के लिए लौटता है तो देखता है कि बियांका ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी है, जिससे उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि बियांका पहले ऐसी नहीं थी। फिर लुका अपने रूम में जाने लगता है, लेकिन तभी उसके पास एक बूढ़ी जादूगरनी आती है जो लुका को डांटते हुए बताती है कि तुम्हारी जल्दी शादी होने वाली है, लेकिन तुम गलत लड़की को चुन रहे हो, इसलिए तुम्हें दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचना चाहिए। लेकिन लुका उनकी बात नहीं सुनता तो ओल्ड लेडी लुका को एक मैजिकल सीरम देती है, जिसे जब लुका रात को पीता है तो सपने में खुद को बियांका के साथ देखता है, जिससे अब उसे भी एहसास हो जाता है कि वो दिल से बियांका को चाहता है। इसलिए जब वो बाहर आता है तो बियांका की हालत देखकर समझ जाता है कि बियांका भी उससे प्यार करती है, इसलिए वो गम में इतनी ज्यादा ड्रिंक करने लगी थी। अगले दिन लुका राजा रोडिग्रो के पास जाता है और उनको जेनेटियन तलवार देते हुए बताता है कि मैं वो योद्धा नहीं हूँ जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी, और मैं नेरा से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं दिल से किसी और को प्यार करता हूँ। इससे किंग बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन वो लुका से तलवार नहीं लेते और से कहते हैं कि तुम एक जेनेटियन हो, इसलिए तुम ही उस जेनेटियन योद्धा को ढूंढ सकते हो, और अगर तुम लार्जिया को मारकर अपनी मॉम को वापस लाना चाहते हो तो तुम्हारे इस काम में एक ड्रैगन मदद कर सकता है जो इस समय एक आदमी के रूप में छिपा हुआ है। फिर लुका वापस उस बार में आ जाता है जहाँ बियांका को प्रपोज करता है। लुका के ऐसे अचानक से प्रपोज करने से बियांका पूरी तरह से हैरान होती है, मगर वो लुका से प्यार करती थी इसीलिए वहाँ बोल देती है। लुका बहुत खुश होता है और उस ओल्ड लेडी को थैंक्स कहता है। फिर वो ओल्ड लेडी वहाँ से चली जाती है और हमें पता चलता है कि ओल्ड लेडी और कोई नहीं बल्कि नेरा होती है, जो बियांका और लुका की दोस्ती देखकर समझ गई थी कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए उसने लुका को इस बात का एहसास करवाया था। फिर दिखाया जाता है कि लुका और बियांका शादी कर लेते हैं और बहुत ही जल्द उनका एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम वो एलुस रखते हैं। एलुस भी एक जेनेटियन होता है क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल लुका की तरह पीली थी। लुका बियांका से कहता है कि तलवार लगातार हिल रही है, इसीलिए मुझे जेनेटियन योद्धा को ढूंढने के लिए निकलना होगा क्योंकि मुझे बहुत दिन हो चुके हैं। लेकिन तभी लार्जिया के डीमन उन पर हमला कर देते हैं, जिससे वो सभी गुप्त रास्ते से वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन लार्जिया के सैनिक उन्हें देख लेते हैं इसीलिए उन पर हमला करने लगते हैं। लुका उन डीमन से फाइट करने लगता है। ये देखकर बियांका अपने बेटे एलुस को सेंचो को देखकर लुका की मदद के लिए उन डीमन से लड़ने लग जाते हैं, लेकिन वो डीमन बहुत ज्यादा होते हैं इसीलिए वो बियांका पर हमला करके उसे दूर गिरा देते हैं। तभी एक डीमन लुका पर हमला करके उसे धरती की गहराइयों में फेंक देता है, जिससे उन्हें लगता है कि वो मर गया है, लेकिन वो पत्थर को पकड़कर बच गया था। लार्जिया भी वहाँ पर आ जाता है जो बियांका को पकड़ लेता है। वहीं लुका भी बहुत मुश्किल से खाई से बाहर निकल आता है और जब वो बियांका को लार्जिया के पास देखता है तो लार्जिया पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लार्जिया अपनी पावर से उसे पकड़ लेता है और उसे पत्थर की मूर्ति में तब्दील कर देता है। इससे लार्जिया बहुत खुश होता है और फिर वो बियांका को लेकर अपने महल में आ जाता है, जहाँ वो बियांका को बताता है कि तुम भी एक जेनेटियन हो, लेकिन बियांका को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। तो लार्जिया बियांका को बताता है कि तुम्हारे परिवार ने तुम्हें गोल लिया था, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी आंखों पर जादू किया जिससे किसी को पता ना चले कि तुम एक जेनेटियन हो। फिर वो बियांका को लुका की माँ के पास लेकर जाता है, जिन्होंने खुद को एक शील्ड में बंद कर रखा था ताकि लार्जिया उनसे जेनेटियन मंत्र ना जान सके। इसीलिए वो बियांका से कहता है कि तुम्हें मांडा से बात करनी होगी और जेनेटियन मंत्र जानना होगा, फिर मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, क्योंकि एक जेनेटियन ही मन ही मन दूसरे जेनेटियन से बात कर सकता था। और जब बियांका मांडा से बात करती है तो मांडा उसे बताती है कि लार्जिया तुमसे झूठ बोल रहा है, इसीलिए तुम उसकी बात मत सुनो। तो बियांका भी उनकी बात समझ जाती है और वो लार्जिया के ऊपर हमला करने लगती है, जिस बात पर गुस्सा होकर लार्जिया बियांका को भी लुका की तरह पत्थर की मूर्ति बना देता है। अब समय बीता जाता है और देखते ही देखते 8 साल बीत जाते हैं। वही हमें लुका के बेटे एलुस को दिखाया जाता है जो बड़ा हो चुका है और वो सेंचो के साथ मिलकर किसी तरह बहुत मुश्किल से मॉन्स्टर को हराते हुए एक मैजिकल छड़ी को हासिल कर लेता है, जिसकी मदद से वो अपने डेड लुका को एक बार फिर से नॉर्मल कर देता है। लेकिन जब लुका एलुस को देखता है तो एलुस को पहचान नहीं पाता, लेकिन जब एलुस लुका को बताता है कि उसका बेटा है तो लुका बहुत खुश होता है क्योंकि उसने पूरे 8 साल के बाद अपने बेटे को देखा होता है। तभी वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर आ जाते हैं जो उनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन एलुस उन्हें बड़ी आसानी से मार देता है क्योंकि वो बहुत अच्छा वॉरियर बन चुका था। इससे लुका बहुत हैरान होता है। तब यहाँ बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर आ जाते हैं जो एलुस पर हमला करके उसकी तलवार दूर गिरा देते हैं। ये देखकर लुका अपने बेटे को
जेनेथियन तलवार देता है और एलुस उस तलवार को बड़ी आसानी से उसकी म्याद से निकाल देते हैं, क्योंकि एलुस ही वो बहादुर योद्धा होता है जो उस तलवार को चला सकता था। उस तलवार की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो एक ही वार में दो मॉन्स्टर को मार देती है। इससे डरकर बाकी के मॉन्स्टर भी वहाँ से भाग जाते हैं। इससे लुका बहुत खुश होता है। फिर वो बियंका और लुका की माँ को बचाने के लिए लाड़जा के किले की तरफ बढ़ने लगते है, लेकिन वो देखते है कि और राक्षसों की संख्या काफी ज्यादा होती है। और ने किले पर पहुँचने में उस ड्रैगन की मदद चाहिए थी जो इंसानी रूप में लोगों के बीच छिपा हुआ था। इसीलिए वो सभी डॉक्टर ड्रैगन के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि जिस ड्रैगन की तलाश में वो ड्रैगन के पास आए हैं वो ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि खुद ड्रैगन है। लेकिन ड्रैगन उन्हें बताते हैं कि मेरा मैजिकल ऑर्ब कहीं खो गया था, इसीलिए मैं ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। तो लुका अपने पास रखा हुआ ऑर्ब का एक टुकड़ा उन्हें दिखाता है जो उसे बचपन में मिला था। तो ड्रैगन उसे बताते हैं कि नकली है, लेकिन यहाँ से बहुत दूर एक आइलैंड में एक परी रहती है जो तुम्हारी उस ऑर्ब को ढूंढने में मदद कर सकती है, लेकिन वहाँ तुम्हें अकेले ही जाना होगा क्योंकि सच्चा वॉरियर ही उसके महल में पहुँच सकता है और उसकी एक विश पूरी करती है। तो लुका अकेले ही उस परी की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में लुका को ब्लू क्रिएचर मिलता है जो लुका के साथ जाना चाहता है, इसीलिए लुका उस ब्लू मॉन्स्टर के साथ परी की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में इन्हें कुछ रोबोट्स मिलते हैं जो इनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन लुका ब्लू क्रिएचर के साथ किसी तरह वहाँ से निकल जाता है। और अब ये लोग परी के पास पहुँच जाते हैं। परी लुका की मदद करने के लिए राजी हो जाती है और वो लुका को एक नकली मैजिकल ऑर्ब देकर उसे उसके बचपन में भेज देती है। इसके बाद हम उसी सीन को देखते हैं जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, यानी कि जो लड़का लुका से मैजिकल ऑर्ब के बारे में पूछ रहा था वो लड़का और कोई नहीं बल्कि फ्यूचर से आया लुका ही था, क्योंकि बचपन में लुका को वो ऑर्ब एक पहाड़ पर मिला था। इसीलिए लुका बड़ी चालाकी से नकली ऑर्ब से असली ऑर्ब को एक्सचेंज कर लेता है और अब लुका असली ऑर्ब को लेकर वापस आ जाता है। फिर वो सभी एगन जो कि अब ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे उनके ऊपर बैठकर उस किले में आ जाते हैं जहाँ लाड़जिया ने बियंका को पत्थर की मूर्ति बनाकर रखा होता है। एलुस अपने मैजिकल छड़ी की मदद से बियंका को वापस नॉर्मल कर देता है। बियंका अपने बेटे एलुस को देखकर बहुत खुश होती है। बियंका उन्हें बताती है कि लाड़जिया ने मांडा को ऊपर पहाड़ पर रखा हुआ है, तो वो सभी एगन पर बैठकर उस पर जाने लगते हैं। तभी लुका को अपनी मॉम की आवाज सुनाई देती है जो लुका को वापस लौट कर जाने को कह रही थी, क्योंकि अब लाड़जिया पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुका होता है और अगले ही पल वो अपनी शक्ति की मदद से मांडा का कवच तोड़ देता है। यह देखकर लुका अपने दोस्तों के साथ अपनी मॉम की मदद के लिए उनके पास पहुंच जाता है, लेकिन अपनी मॉम को बचा नहीं पाता और उसकी मॉम की वहीं पर डेथ हो जाती है। अपनी मॉम की मौत से लुका बहुत दुखी होता है। तभी लाड़जिया के मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं और अब मॉन्स्टर और लुका की टीम के बीच में एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। एलुस अपने जेनेथियन तलवार की मदद से एक एक करके सभी मॉन्स्टर को मारना स्टार्ट कर देता है, लेकिन फिर ये लोग लाड़जिया की सेना से हार रहे होते हैं क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। लेकिन तभी वहाँ पर बियोन हेरी की पूरी सेना के साथ लुका की मदद के लिए आ जाता है, क्योंकि हेरी ने वादा किया था कि उनकी मदद करने आएगा। अब इनके और लाड़जिया की सेना के बीच में एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। लुका लाड़जिया से फाइट कर रहा होता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार लाड़जिया को एक जेनेथियन योद्धा ही मार सकता है। अब एलुस भी लुका के साथ मिलकर लाड़जिया से लड़ने लगता है, क्योंकि एलुस एक जेनेथियन योद्धा होता है। इसीलिए वो लुका के साथ मिलकर अपनी जेनेथियन तलवार से उसे मार डालता है। लाड़जिया को मारकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन लाड़जिया अभी भी मरा नहीं होता और वो मांडा की पावर को ऑब्जर्व करके नर के पोर्टल को खोल देता है, लेकिन इस दौरान वो खुद भी मारा जाता है। एलुस पोर्टल को खुलता देख अपनी जेनेथियन तलवार को उस पोर्टल के अंदर फेंक देता है, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे पोर्टल बंद होना शुरू हो जाता है। ये देखकर लुका और एलुस को लगता है कि उन्होंने जंग जीत ली है, लेकिन तभी अचानक से लुका को छोड़कर सभी लोग फ्रीज होना शुरू हो जाते हैं और अगले ही पल वहाँ पर निमजो आ जाता है। निमजो लुका को समझाता है कि यह वास्तविक दुनिया नहीं है बल्कि एक ग्राफिक्स गेम है, और निमजो अपनी पावर की मदद से लुका को सब कुछ दिखाता भी है कि किस प्रकार उसके आसपास की सारी चीजें ग्राफिक डिजाइन से बनी है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वास्तव में लुका एक लड़का होता है जो अपने रियल लाइफ में इस गेम को खेल रहा होता है, लेकिन वो इस गेम में इतना खो गया था कि वो गेम और रियल लाइफ में फर्क नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर निमजो लुका को बताता है कि मैं एक वायरस हूँ और मैं इस गेम को खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन लुका इस गेम को बहुत पसंद करता था, इसीलिए वो निमजो से लड़ने लगता है, मगर निमजो लुका पर भारी पड़ रहा होता है। तभी वो ब्लू क्रिएचर लुका के सामने
सामने आ जाता है जो उसे बताता है कि मैं इस गेम का एंटीवायरस हूँ, और वो लुका को एक शॉट देता है जिससे वो दोनों मिलकर निम्जो को मार देते हैं। निम्जो के मरते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और लुका एक बार फिर से एलिस और बियंका से मिलकर बहुत खुश होता है, और अब हेरी और बियोन लुका से विदा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लुका अपनी फैमिली के साथ मिलकर वापस लौटने लगता है, मगर अब उसे पता था कि गेम खत्म हो चुका है और उसे वापस असली दुनिया में लौटना होगा। इसलिए वो बियंका और अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा होता है, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।